नमस्ते। कक्षा 7 संस्कृत साहित्य अभ्यास कार्यम अभ्यास प्रश्न पत्र 2 पृष्ठ संख्या 61 उचित विकल्पम चिनोति। धनिका चौरम कस समीपम आनयति। धनिका चौरम राज समीपम आनयति। पहला राज समीपम, दूसरा है द्वारपाल समीपम, तीसरा मंत्रिमंडल समीपम। पहला सही है। कस व्यवहारेण सर्वे दुखिता अभवन। खा नंबर है पहले का। इसका पहला हिस्सा श्रृंगालस्य, दूसरा हिस्सा है भल्लुकस्य और तीसरा हिस्सा है सूकरस्य। तो इसमें दूसरा सही है भल्लुकस्य। तक्षकस्य कुत्र विश्रेम अस्ति। तक्षकस्य दंते विश्रेम अस्ति। पहला है मस्तके, दूसरा है दंते, तीसरा है पुच्छे। गाजलम कदा विषयम भवति। पहला है भोजने, दूसरा है भोजनांते, तीसरा जीर्णे। इसमें दूसरा सही है। मंजूसात उचितम शब्दम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरित्वा का धनिकस ग्रह बहूनी वस्तूनी संति। खा भल्लूका सर्वान मत्सान एव खादयत। इसमें उत्तर एकला खादयत। दत्ता पितामा अवदत्त। इसमें से सही है आशीर्वादः। दत्त्वा पितामह अवदत्त। तक्षकस्य खाली स्थान विषयम भवति। उत्तर है दंते। तक्षकस्य दंते विषयम भवति। प्रश्न नंबर 3 पूर्ण वाक्येन उत्तरात्। पहला है चौराकस्य ग्रह चौरम कर्तुम गच्छति। उत्तर इस प्रकार है चौरा धनिकस ग्रहे चौरम कर्तुम गच्छति। खा सर्वप्रथमम चायोदानम कहा अर्चत। ब्रूसा महोदा सर्वप्रथम चायोदानम ब्रूसा महोदा अरचयत। पितामह बालकेभ्य किम अपृच्छत। उत्तर इस प्रकार है पितामह बालकेभ्य तस्य मनम स्थित्वा अपृच्छत्। घा है कोकिला नाम रूपम किम भवति। उत्तर है कोकिला नाम रूपम स्वरः भवति। खंड खा प्रश्न नंबर 4 वाक्येषु रंजित पदानां विलोप पदम अलिखत। एक बार पुनः वाक्येषु रंजित पदानां विलोप पदम अलिखत। का है परोपकारिणा जीवनम सफलम। उत्तर है तस्य विलोपम परोपकारिणा मरणम सफलम। का है न्यायाहितकारी भवति। उत्तर है अन्याया हितकारी भवति। इसका विलोम शब्द लिखना है जो नीले अक्षर छपे हुए हैं। सुपुत्रा कुलदीप का भवति। उत्तर है कुपुत्रा कुलदीप का भवति। घा है सा संस्कृत विषय अनुत्तीर्णम अस्ति। उत्तर है संस्कृत विषय उत्तीर्ण अस्ति।
उचित प्रयुक्तम पदम चित्वा रिक्तानि स्थानि पूरित्वा अमरा गृहम कर्तुम का अमरा गृहम गत्वा कार्यम करोति। ऐसा बालका तत्परा अस्ति गंतुम तत्परा अस्ति सेवा कुपिता भूत्वा सापितम ददाति बालिका पुष्पाणि अहर्तुम उद्यानम। विद्यार्थी लिखेंगे और याद भी करेंगे।